मेडिकल स्टोर पर की छापेमारी, नाबालिग लड़का मिला मेडिकल चलाते हुए। जनपद संभल में देखा जाए तो झोला छाप डॉक्टर धड़ल्ले से चला रहे हैं अपनी दुकान। मेडिकल स्टोर भी किसी का परमिशन और चलाता है कोई और। क्यों नहीं होती इन पर कार्यवाही? आज खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से ग्रसित दूसरे जगह से आए मजदूरों का इलाज झोला छाप धड़ल्ले से कर रहे हैं। कहीं इन झोला छापों की वजह से कोरोना और न फैल जाए, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर बिना मास्क व बिना ग्लव्स के मरीजों का इलाज करते हैं। जनपद संभल में क्या कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, मरीजों का इलाज करते हैं, इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के गाँव ईसापुर मूसापुर में आर्यन मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जिस मेडिकल पर एक नाबालिग लड़का जिसके उम्र 12 वर्ष है संचालित कर रहा था, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने बिना मास्क तथा बिना ग्लव्स के बैठा था, और उस मेडिकल का लाइसेंस श्रीमती पूजा पत्नी अरविंद के नाम है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता केवल इंटरमीडिएट है। मजे की बात ये है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब मेडिकल के साथ मरीजों को भी देखते हैं तथा मेडिकल में एक्सपायरी दवाइयों के लिए कोई भी बॉक्स नहीं बना हुआ था। मेडिकल होने के बावजूद भी उस नाबालिग बच्चे के पास कोई सैनिटाइजर भी नहीं था। अब देखना ये होगा कि ऐसे मेडिकल संचालक जिनके लाइसेंस पर कई कई मेडिकल संचालित हो रहे हैं, या मेडिकल संचालक कोई और लाइसेंस धारक कोई और ऐसे मामलों में तथा पंजीकरण डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग कोई कार्यवाही करता है या नहीं, या फिर झोला छापों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही होगी भी या नहीं। अगर पत्रकार इन झोला छापों से ग्लव्स, हैंड वॉश व सैनिटाइजर के बारे में भी या सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी लेते हैं, तो ये झोला छाप पत्रकारों से भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने से नहीं चूकते। इसे देखकर ये कहना मुश्किल नहीं होगा, अधिकारियों ने सैंपल लेकर प्रयोगशाला के लिए भेजा है, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब देखना यह है कि इन झोला छापों पर स्वास्थ्य विभाग मेहरबान बना रहेगा या आगे की कार्यवाही की जाएगी।